हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने क से द तक सीखा, राइट? आज हम सीखेंगे नया व्यंजन, व्यंजन ध। व्यंजन ध क्या सीखने जा रहे हैं हम? व्यंजन ध, ध से धन। ओके, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी जो ध से बनते हैं, ओके? ध से धूप, ध से धूप, धूप means sunlight। अब हम सुबह सुबह दिखते हैं ना, अभी हमें sunlight। ध से ध्वनि, ध्वनि means sound। ध से ध्वनि। ध से धनिया, धनिया means कोरिएंडर। कोरिएंडर हम हमारे सब्जी में वगैरह डालते हैं ना, सो ध से धनिया। ध से धागा, ध से धागा, धागा means थ्रेड। ध से धुआं, ध से धुआं, धुआं means स्मोक। ध से धूल, ध से धूल, धूल means डस्ट। ध से धन्यवाद, ध से धन्यवाद, धन्यवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैंक यू। हमें अगर कोई हमारा काम करे या फिर कुछ अच्छा बोले तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, मींस धन्यवाद बोलना चाहिए, करेक्ट? ध से धनुष, ध से धनुष, धनुष तो आपको पता है ना। ध से धनी, ध से धनी, धनी means रिच पर्सन, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं उन्हें हम रिच कहते हैं, means हिंदी में ध, ध से धनी कहते हैं। ध से धन, ध से धन, इंग्लिश में हम मनी कहते हैं, मनी means पैसा। ध से धड़कन, ध से धड़कन, धड़कन means हार्ट बीट्स, अपने हार्ट पर हाथ रखो, आपको सुन फील होगा ना, सो उसे हम हार्ट बीट्स, हिंदी में ध से धड़कन। ध से धानी रंग, जब हम ग्रीन कलर एंड येलो कलर मिक्स करते हैं तो इस टाइप का कुछ कलर होता है, तैयार होता है, उसे हम धानी रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? धानी रंग। ध से धक्का, ध से धक्का means push करना। ध से धब्बा, ध से धब्बा, अगर आप खेलने के लिए जाए तब आपके ड्रेस पर कुछ मिट्टी वगैरह लग जाती है ना, ड्रेस पे धब्बा पड़ जाता है, सो ध से धब्बा। ध से धीरे, धीरे means slowly, रोड पर हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, मीन स्लोली स्लोली चलना चाहिए। ध से धान, ध से धर्म, ध से धरती, धरती मीन्स अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ध से धातु, ध से धातु, धातु मीन्स मेटल। अभी हमारे बर्तन आप देखोगे तो स्टील के होते हैं, करेक्ट है ना, सो वो एक धातु से बनते हैं। ध से धारदार, सो जो छुरी होती है उसे बहुत धार होती है, राइट? सो ध से धारदार, धारदार मीन्स शार्प, सो हमें उसे यूज नहीं करना है, अपने मम्मी को ही कहिए यूज करने के लिए। ध से धुंधला, ध से धुंधला, धुंधला मीन्स ब्लर। ध से धैर्य, ध से धैर्य, धैर्य मीन्स पेशेंस, हमें धैर्य रखना चाहिए हर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मम्मी को बोला कि आज मुझे पेंसिल चाहिए, मतलब चाहिए, तो मम्मी लाकर देती है ना, बट उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, वो धैर्य रखना चाहिए, थोड़े पेशेंस रखने चाहिए, ओके? ध से धोबी, धोबी मीन्स वॉशरमैन। ध से धावक,
धावक मीन्स रनर्स। ध से धंधा, धंधा मीन्स बिजनेस। ध से ध्वज, ये हमारे इंडिया का फ्लैग है राइट, सो फ्लैग को हिंदी में ध्वज कहते हैं। ध से ध्यान, ध से ध्यान, ध्यान मीन्स अटेंशन। जब मैं आपको सिखाती हूँ तब आपको ध्यान से देखना है, ओके, मीन्स अटेंशन। ध से धारावाहिक, धारावाहिक मीन्स सीरियस, सीरियस। तो बच्चों अब मैं आपको सिखाऊंगी कि व्यंजन ध निकालते कैसे है, ओके, व्यंजन ध, व्यंजन ध। सो फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लाइन ड्रॉ वन स्मॉल सर्कल एंड देन हाफ कर्व लाइक दिस, वन मोर हाफ कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, ध। पहले छोटा सा सर्कल बनाओ, देन हाफ कर्व निकालो और एक हाफ कर्व इस तरीके से, स्टैंडिंग स्लीपिंग, ओके, सर्कल हाफ कर्व, हाफ कर्व, स्टैंडिंग स्लीपिंग, ध। क्या है ये, ध, सर्कल देन हाफ कर्व, वन मोर हाफ कर्व, इसे थोड़ा सा बड़ा करना है एंड देन स्टैंडिंग स्लीपिंग, ओके। नाउ ओपन योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 50। ध से धोबी, ध से धोबी। देखो सर्कल हाफ कर्व, वन मोर हाफ कर्व, स्टैंडिंग स्लीपिंग, सर्कल हाफ कर्व, कर्व, स्टैंडिंग स्लीपिंग, सर्कल स्लीपिंग, ओके, सी या। यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, देन वन मोर सर्कल, स्टैंडिंग स्लीपिंग, सर्कल हाफ कर्व, स्टैंडिंग स्लीपिंग। सो किड्स आपका होमवर्क है पेज नंबर 50, पेज नंबर 51, ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।